ऑलराइट, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जो डेली काम करते हो वो एक्टिविटीज़ आप करना भूल चुके हो और आप गहरी नींद में सोने वाले थे, तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो एक्टिविटी करनी आपकी बाकी है। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और ये मेरा तीसरा टेक है, इस व्लॉग का, पूरे व्लॉग का तीसरा टेक है, क्योंकि पहले मैंने व्लॉग पूरा शूट कर कर लगभग 9:30-10 बजे के करीब करीब ख़त्म हो चुका था, बट एंड मौके पर हमारे माइक ने धोखा दे दिया था हमें। मेरा जो बोया का शॉटगन माइक है उसने काम करना बंद कर दिया था और 14 मिनट के मेरे फुटेज पूरी म्यूट थे जी। एक तो सोने जाना था और पूरा फुटेज म्यूट, तो कॉलर माइक फिर से एक बार स्टार्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ प्रतीप पुरुड़े, दिस इज सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल एंड व्लॉगिंग चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी दिनों बाद कॉलर माइक पर वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी अलग लग रहा है मुझे, अपने स्टूडियो वाली फील, बट ये व्लॉग है। इस दिन की शुरुआत भी रेगुलर दिन की तरह हो चुकी थी, जैसे कि पापा आए थे घर से, उनसे पार्सल ले चुका हूँ मैं। और अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो, जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरे 100 रुपये के हेडफोन से रिकॉर्ड हो रही है। कल वाले ब्लॉग के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि भाई सच में कोविड वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं और स्कैम है वगैरह जो भी, इस आपके सवाल के जवाब आने वाले वीडियो में आपको जल्द मिल जाएंगे। और आपको बताएं, मेरा जो रिपोर्ट था वो 0 था, जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया, बट आपको ये भी लग रहा होगा कि मतलब क्या कोई सीरियस पेशेंट नहीं वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट भाई साहब ऐसा नहीं है। हमारे फ्लैट में जो हॉल है वहाँ पर 3 बंदे और उसमें से एक बंदे का स्कैन करवाया था मेरे तुरंत बाद, और उसका रिपोर्ट पता है भाई साहब क्या है, 12। उसका स्कोर 12 आया था और उसकी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मुझे सिविल में भर्ती करना पड़ा और अभी वो ऑक्सीजन बेड पर है। ऑलराइट, एक छोटी सी नोट देना चाहूँगा मैं आपको। मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में कहा था कि 10 दिन क्वारंटाइन पीरियड होता है, बस आपकी कोविड की टेस्ट होती उसी दिन से 10 दिन आगे आपका क्वारंटाइन होता है। मतलब मेरे कोविड की टेस्ट हुई थी 18 तारीख को, तो मेरा क्वारंटाइन पीरियड है 18 तारीख तक, मतलब 10 दिन का मेरा क्वारंटाइन पीरियड है। और हमारा लास्ट डे भी है, मतलब 28, 9 ही दिन में क्वारंटाइन हो चुका था, इसलिए नो व्लॉग सॉर्टेड। जब से हम क्वारंटाइन है तब से हम इस रूम से बाहर गए नहीं थे, मतलब बस टेरेस नीचे और बस। हमें एक जगह पता चली जो कि पीछे है, हमें मतलब जाने के लिए वहाँ पर परमिशन थी या नहीं हमें पता नहीं, बट काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने चले थे, और जब हमने पूछा परमिशन है तो बोले जी आप टहल सकते हैं। तो भाई साहब मैं और मेरा पार्टनर अनिल घूमने के लिए निकल पड़े। गुलकंद खाए जास्त घरी गेल्यावर, गुलकंद लाल लाल असतं, उष्णता कमी होते ते। घूमते घूमते एक बात याद आई, जब मैं फर्स्ट दिन यहाँ पर आया था तो मुझे पता नहीं था, मतलब मेरी ए बिल्डिंग थी और ए बिल्डिंग के आसपास ही आपको रहना पड़ेगा, ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि सब कोविड के पेशेंट है और सब साथ साथ ही रहते, तो मैंने कहा कि अपना सेटअप वगैरह निकाला और चलते चलते जहाँ पर कोविड की टेस्ट होती वहाँ तक गया। और हमें आते आते एक बंदे ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब सेटअप वगैरह देख कर उसे लगा हुआ कि कोई प्रेस वगैरह वाला, तो उसे बोला नहीं ये यूट्यूब का मेरा चैनल है अपना, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, तो इसके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो उसने कहा पेशेंट हो, मैंने कहा जी हाँ, कहा था कि आपकी सीमा होती है आप इसके आगे नहीं आ सकते, वो मैंने कहा जी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये पहले दिन ही गलती हो चुकी थी, उसके बाद हम वहाँ पर गए भी नहीं और कोई ही बात ही नहीं बात की, सॉरी। ऑलराइट, आज है 7 डे 7वां दिन और घर जाने की चाहत भाई साहब काफ़ी ज़ोर से है फिलहाल, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
दैट्स अ फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। आई होप आपको व्लॉग और छोटी सी एक स्टोरी पसंद आए। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम इस चैनल पर सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल एंड व्लॉग अपलोड करते रहते हर मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को, इसलिए सब्सक्राइब बेल आइकॉन। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टाग्राम बताइए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग, प्रतीक बोरुडे साइनिंग आउट।